गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों के साथ राज्य सरकारों की तकरारें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनाती रहती हैं। और इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर पंजाब, तमिलनाडु, केरल ने राज्यपालों पर विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने से रोकने के लिए अपनी संवैधानिक स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि शासन की संवैधानिक योजना को अमल में लाने के लिए दोनों पक्षों की जरूरत होती है। राज्यपालों को कोर्ट में मामला पहुंचे इससे पहले ही विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पीठ ने राज्यपालों को आत्ममंथन की सलाह दी, लेकिन क्या इस सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या राज्यपाल या सरकारों के बीच की तनातनी अब कम होती नजर आएगी? क्या अब जनता के अधिकारों और खास करके उनके हितों की परवाह करते हुए दोनों ही पक्ष यानी कि राज्यपाल और प्रदेश की सरकारें दोनों ही नजर आएंगे? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि जब तक संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जनता को केंद्र में नहीं रखेंगे, ऐसे मामले नहीं थमेंगे, कोर्ट में पहुंचते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्टेट टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सुझाव और गंभीर सुझाव आया है भारत के राज्यपालों को लेकर, और सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस सुझाव के बाद से वो कुछ इस तरह से हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो राज्यपालों की कार्रवाइयों पर सवाल खड़े करती है। ये सवाल बहुत ही गंभीर सवाल हैं, इसीलिए क्या इस सुझाव पर कोई ध्यान दिया जाएगा? चुना हुआ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ना होने पर क्या राज्यपाल की जो भूमिका है उसे गैर प्रभावी या कम प्रभावी कहा जाना चाहिए, या क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों की जो शक्तियां हैं वो उनका दुरुपयोग होता हुआ दिखता है? क्या राज्यपालों और सरकारों की जो तनातनी है ये एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाए, क्योंकि बात जनता के हितों की हो रही है और जनता के हितों को जो है बिना जांचे परखे समीक्षा उसका किए हुए इस पर ये जो है एक सामान्य प्रक्रिया, एक हेल्दी प्रोसेस इसे कहा जा सकता है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए स्टेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्टेट टॉक में। और सोशल एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट सिद्धार्थ सनवारिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अजय सर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी की तो कहा गया कि बहुत ही सख्त टिप्पणी है, आत्मावलोकन की बात की जा रही है, अपने भीतर झांकने की बात की जा रही है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश सरकारों खास करके नॉन बीजेपी गवर्नमेंट और जो वहाँ के राज्यपाल हैं, विधेयकों को अगर सालों तक लंबित करके रखा जाता है, फैसले मंजूरी नहीं दी जा रही है, तो आप कितना गंभीर इसे देखते हैं, इस स्थिति को देखते हैं? और अब सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी आई है ये क्या मामले को सुलझाती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से गंभीर मसला है। यदि जानबूझकर डिले करने के लिए या परेशान करने के लिए कोई गवर्नर कहीं पर कोई बिल रोकता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कोई सत्र रोकता है, तो ये निश्चित रूप से गलत। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में, हम सभी संविधान की बात करते हैं, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल होगा, राज्यपाल की भूमिका बताई गई है, तो निश्चित रूप से राज्यपाल की क्वेरीज हो सकती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि कोई राज्य निरंकुश ना हो जाए, कोई राज्य ऐसा ना हो जाए कि वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को एक स्वायत्त सरकार बनाने की तरह से करने लगे। इसलिए गवर्नर को तमाम चीजों को देखना होता है, वहां की वित्तीय स्थितियां, दूसरी चीजें, उन सबका की समीक्षा करनी होती है, क्योंकि स्टेट पे जो सरकार चलती है वो गवर्नर के ही नाम से यानी राज्यपाल के ही नाम से संचालित होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि चेक एंड बैलेंस की स्थितियां बनी रहनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि उसके कारण तमाम सारे जो केंद्र में सत्ता में जो भी सरकार होती है वो उनका दुरुपयोग करती है अपने हित में या परेशान करने के लिए या दूसरी तरीके, तो कमोवेश हो रहा है। लेकिन मैं हतोत्साहित हूं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में हम तमाम चीजें मीडिया की सुर्खियां सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये झाड़ लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ये टिप्पणी कर दी। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहूंगा,
मैंने इतना नपुंसक सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं देखा था। सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरह की टिप्पणियां करता है और उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो उसे नोट कराए, यदि हिम्मत है तो जो टिप्पणी कर रहा है उसको नोट कराए, दे लिखे, तो राइटिंग में करने से उसकी हिम्मत नहीं। सिर्फ वो होता है ना कि जो बिना विष का सांप होता है, फुफकारता रहता है, कमोबेश उस तरह की स्थिति हो गई है। तो जी मैं सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से देखता हूं। तमाम मसलों में आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये किया, और अंततः जब आता है तो ढाक के तीन पात। भाई क्या मतलब है? आपको संविधान के आप संरक्षक हैं, संविधान के किसी प्रावधान के तहत किसी को लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत कहीं पर उसका उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सीधे रिटर्न ऑर्डर कीजिए, आप लिखिए उसको। अभी सरकारें जवाब देते नहीं बनेगा, जी लेकिन आपके अंदर ये हिम्मत ही नहीं होती। आप कहिए उसको लेकर के, लिखिए सुप्रीम कोर्ट, चाहे राष्ट्रपति को लिखे, चिट्ठी लिखे कि इस तरह क्यों केसेस आ रहे हैं और ये मेरे पास में केस आ क्यों रहे हैं, ये सेटल करना राष्ट्रपति का काम है। कीजिए आप इस, जी आप सजेशन देने का भी अधिकार है, राष्ट्रपति के सलाहकार की भी भूमिका दी गई है संविधान में सुप्रीम कोर्ट की, फिर आखिर क्यों नहीं कर रहा है? इससे आप उसकी स्थितियां समझ सकते हैं। जी लेकिन वो तो सीधे सीधे राज्यपाल को सलाह दे रहे हैं कि आप जो है खुद का आत्मावलोकन कीजिए, यू नीड टू सुप्रीम कोर्ट नेहा किसी राज्यपाल का सलाहकार नहीं है या किसी सरकार का सलाहकार नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट डिफाइन है, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, वो किसी ऐरे गैरे को सलाह नहीं देगा। और वो एडवाइजर नहीं, उसके लिए लीगल एडवाइजर है, उसके लिए हर स्टेट्स में, मान लीजिए पंजाब की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। जी इसी तरीके से तमाम राज्यों में जहां जहां पर ये स्थिति है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, आप उससे सलाह लीजिए। सलाह देना आपका काम है, आपका काम है करना। आप वहां पर ये नहीं बैठे हैं, आप इंसाफ करने बैठे हैं, या आप भारत सरकार को भी नहीं, आप राष्ट्रपति को सलाह दें, सरकार को नहीं देंगे। पहले आप सुन लीजिए, बड़ा अंतर है। सरकार से आपका कोई मतलब नहीं, सरकार के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं, जी इसलिए समझना पड़ेगा। जी और यदि आप सुपरबेसी में देखें तो आप समझिए राष्ट्रपति के बाद में सेकेंड नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, तो इसलिए आप उस पे मत लीजिए, उसे उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, तो उस जी हैसियत पे वो खड़ा होता है, उपराष्ट्रपति के बराबर खड़ा होता है। सिद्धार्थ जी, आपने अजय सर की भी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके बाद से बहुत कहा गया कि देखिए कितनी सख्त टिप्पणी है, लेकिन केरल के राज्यपाल का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है आरिफ जी का। वो कहते हैं कि मैं सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का, लेकिन उनके पास जो बिल लंबित हैं, केरल सरकार का कहना है कि 3 विधेयक तो 2 साल से लंबित हैं। ये किस तरह की संवैधानिक पदों का दुरुपयोग है या फिर सदुपयोग है, हमने पहले तो नहीं देखा। पहले भी राज्यपाल इसी तरह से जो है सरकारों में शामिल रहे हैं, लेकिन तनातनी की ये जो खबरें हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या राज्य सरकारों को काम करने से रोका जा रहा है, और विशेषकर जनहित से जुड़े हुए जो विधेयक हैं अगर 2 साल तक राज्यपाल के पास लंबित रहें और सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणियां भी करनी पड़ रही, उसके बावजूद जो है शायद कुछ बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, खास करके जब बात जनता के हितों की है, जनता इसके केंद्र में दिखती है। सिद्धार्थ जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200 के अनुसार गवर्नर को ये अख्तियार देता है, जो अजय भाई साहब ने भी क्लियर कहा कि समीक्षा की जाए, लेकिन लंबित नहीं रख सकते जी जो बिल है तो केरल के जो उनको। राज्यपाल है वो गलत कर रहे हैं। लंबित करना पेंडेंसी पेंडेंसी मैंडेट को डिफीट करता है। असेंबली में जो भी बिल अगर पास हुए हैं वो मेजॉरिटी वोट से हुए हैं, मेजॉरिटी वोट हर बार ठीक हो या ना हो उसकी समीक्षा गवर्नर को करनी होगी, जी लेकिन वो समीक्षा पेंडेंसी में नहीं आएगी। समीक्षा करें
या तो राष्ट्रपति को भेजें या वापस असेंबली में भेजें। जी सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर्स लंबित हैं उसके ऊपर वो विचार कर रही है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 200 जब ये मैंडेट करता है कि बिल वापस असेंबली में ही जाएगा, एंड ऑफ द डे असेंबली नहीं करना है। हमारे देश में कई ऐसी असेंबलीज हैं, पहले जम्मू एंड कश्मीर की एक असेंबली हुआ करती थी जी। उसके अंदर कई ऐसे प्रस्ताव पारित होने की कगार पे थे जिनको राज्यपाल की ये एसेंट और समीक्षा बहुत अनिवार्य थी राष्ट्रहित के लिए, लेकिन अगर पार्टी के मैनिफेस्टो सरकार चलाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सरकार नहीं चला रहा, ये सभी पार्टीज के ऊपर लागू है। हमने दिल्ली के अंदर भी देखा जो केंद्रीय यूनियन टेरिटरी है वहां पे भी एक क्लैश आया, पंजाब में भी एक क्लैश दिख रहा है, केरल में भी क्लैश दिख रहा है, तमिलनाडु में भी क्लैश हुआ, आने वाले समय में हो सकता है और भी हो। लेकिन जो मेरा इसके अंदर कहना है कि पेंडेंसी गवर्नर साहब नहीं कर सकते, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का भी कोई दायित्व नहीं बनता केवल एक कंट्रोवर्सी रेज करने से? अब दिल्ली का हम एग्जांपल लेंगे, दिल्ली के अंदर हमारे कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बहुत बढ़िया सरकारें चलाई जी, मदन लाल खुराना जी थे, शीला दीक्षित जी थी, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। यहां तक कि मुझे याद आ रहा है कि ये जो आज मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने शीला दीक्षित की तो चार्जशीट बना ली थी चुनावों से पहले, लेकिन शीला जी ने तो कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई क्लैश नहीं किया, उन पे कमेंट तक नहीं किया। तो हमारे मुख्यमंत्रियों को भी ये देखना होगा कि वो ऐसे बिल्स ना पास कराएं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा का उल्लंघन। आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या गवर्नर उसको पेंडिंग रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, रखना भी नहीं चाहिए जी। समीक्षा करें, उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां दें, राष्ट्रपति को भेजें और वापस असेंबली के अंदर दीजिए, राष्ट्रपति ने भी तो असेंबली में भेजना है। लेकिन टिप्पणियों के बाद सिद्धार्थ जी, पंजाब की अगर मैं जिक्र कर लूं यहाँ पर, तो 7 प्रमुख विधेयक जो हैं, राजकोषीय विधेयक सहित 7 प्रमुख विधेयक को राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं, और इसके बाद तुषार मेहता कहते हैं कि बेवजह जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, पहले ही 2 विधेयकों को मंजूरी दे चुके हैं, 2 या 3 विधेयकों को मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन ऐसा भी प्रतीत हुआ, खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में ये शामिल है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जब कोर्ट पहुंच जाती है सरकारें, फिर राज्यपाल उस पर कार्रवाई कर लेते हैं? कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश हो रहा है कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो अगर ये विधेयक आप कोर्ट पहुंचने की स्थिति को देखते हुए आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो अनुचित प्रक्रिया ही या फिर लटकाए रखने की प्रक्रिया जैसी प्रतीत हो रही है। सिद्धार्थ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर टिप्पणी करनी पड़ रही है, ये बहुत दुखद है, ये हमारे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है, किसी पार्टी के लिए नहीं। राज्यपाल के अधिकार संविधान में दिए गए हैं, वो अधिकार नहीं, ड्यूटीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है पेंडेंसी के ऊपर जी, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? तो इस टिप्पणी के केंद्र में राज्यपालों की भूमिका संदिग्ध तो दिखती है सरवारिया जी, राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध दिखती है इस टिप्पणी के केंद्र में, यही प्रतीत होता है। मेरा सिर्फ एक ही कहना रहेगा कि पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, संदिग्ध मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे राज्यपाल की टिप्पणियां नहीं पता, राज्यपाल ने किस कारण से विधेयकों को रोका, किस कारणवश उनको राष्ट्रपति को भेजना पड़ा, अंततः वो वापस असेंबली में ही आएंगे, विधानसभा ही आएंगे, तो संदिग्ध मैं अभी नहीं कह सकता, परंतु लंबित नहीं होने चाहिए जी। लेकिन लंबित हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े विधेयक हैं वो लंबित हो रहे हैं। अजय सर के पास आना चाहूंगी। अजय सर, कहीं ना कहीं जो है बार बार ये घूम फिर के जो राज्यपाल तक बात पहुंच जाती है, उनके पद तक जो बात पहुंच जाती है, ये स्पष्ट होता है कि सुझाव दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसको ऑब्जर्व भी कर रही है, शुक्रवार के लिए जो मामला है फिर से जो है सुनवाई के लिए लिस्ट भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम जो आप तो पहले ही आप उम्मीद जो है आप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्या हम ये उम्मीद करें कि सुनवाई के दौरान, क्योंकि यहाँ पर पंजाब सरकार का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिखता है, और ये जो विधेयकों की लड़ाई है वहाँ से जो है झंडी मिल जाएगी और विधेयक पारित हो जाएंगे, या फिर इसको मंजूरी दे दी जाएगी, या फिर ऐसा लग रहा है कि इन्हीं विधेयकों को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, वहाँ पर भी पेंडेंसी हो जाएगी? नहीं, मैं देखिए सिद्धार्थ जी के साथ जाना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी ने जो बताया कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसका जिक्र है चीजें जी। अब गवर्नर यदि आपसे पूछता है कि आप विधानसभा का सेशन क्यों बुला रहे हैं, उसका हमें पूरा एजेंडा दीजिए, कारण क्या है जी। क्योंकि पता नहीं आप विधानसभा में जाके प्रस्ताव पारित कर दें कि हाँ भारत से हम अलग कोई राज्य बनाना चाहते हैं, तब क्या होगा? संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। पता नहीं आप क्या करना चाहते, तो आपको चूंकि स्टेट का प्रमुख गवर्नर है तो आपको यह गवर्नर को देना ही होगा कि आखिर आप कौन व्यक्ति है और कौन व्यक्ति जो है इसको लेकर के किस तरीके से क्यों बुला रहा है और उसमें क्या करना चाहता है, मकसद क्या है जी। तो उस मकसद को बताना बेहद जरूरी है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, गवर्नर आपको दो बार चिट्ठी लिख रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे। रही बात बिल, बिल्कुल सही कहा कि बिल एक देखिए एक प्रक्रिया होती है समीक्षा की, 10 दिन 15 दिन महीना भर, उतना तक जायज है क्योंकि उसमें लीगल और दूसरी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसमें फाइनेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसे भी देखना होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या है, ये सारी चीजें आती हैं जी। इन सब के बाद यदि ऐसा आता है कि सारी चीजें ठीक है तो उन्हें उसको दे देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए, या तो पास करके भेज दे, यदि उसमें कुछ क्वेरीज हो तो क्वेरीज भेज दे, और यदि उन्हें लगता है कि नहीं ये उचित नहीं है तो उसे वापस भेज दें कि नहीं ये मंजूर नहीं किया जाता है जी। लेकिन आप साल साल दो दो साल जो आप लटकाए रखेंगे, ये अधिकार तो आपको किसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता। पेंडेंसी भी एक जायज सीमा तक हो सकती है जी, और जायज सीमा से ज्यादा तो नहीं हो सकती है। तो आप अच्छा, उसमें एक और प्रोविजन है कि यदि आपको लग रहा है कि आप उस पर नहीं निर्णय ले पा रहे हैं तो आप उसे टाइमली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दीजिए जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको किस ढंग से डिफाइन करता है ये उसका अख्तियार है, और वो भी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखेगा। जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया जी, मैं उससे बिल्कुल सहमत होते हूँ कि अंततः फैसला तो विधानसभा को करना है जी। यदि आप कैंसिल भी करके भेज दें और विधानसभा दोबारा पास कर देगी तो आप क्या करेंगे? आपको सुन करना पड़ेगा। तो इसीलिए विधानसभा सत्र बुलाने पे एजेंडा मांगा जाता है, पूछा जाता है, ये गवर्नर का अख्तियार है जी। विपक्ष को भी बताया जाता है इसी बात को लेके, याद होगा अभी जब स्पेशल सत्र बुलाया था नरेंद्र मोदी ने जी, तो उस स्थिति में विपक्ष इसी बात का शोर मचा रहा था कि आप एजेंडा नहीं बता रहे। हालांकि उन्होंने बताया, लेकिन लेट से बताया जी। एक सम्यक वक्त दिए जाने की पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसको एडॉप्ट करना चाहिए। एक आइडियल टाइम होता, आप आइडियल करेंगे, आप ही की प्रशंसा होगी कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं जी। और यदि आप इस तरह से करेंगे तो आप लोकतंत्र के भक्षक। तो एक बात तो स्पष्ट है हो गई है सर कि प्रदेश में जो है कार्य प्रणाली अलग नजर आती है, और जो जब बात सेंटर की आती है तो अलग कार्य प्रणाली नजर आती है। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, देखिए जो हो रहा है निश्चित रूप से दुखद है। यही वजह है कि भारत लोकतांत्रिक इंडेक्स में पूरी दुनिया में लगातार डाउन होता जा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य और शर्मनाक है। हमें ऊपर आना चाहिए था, हम नीचे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। बहरहाल इसमें हमारा सिर्फ इतना है
कि मैं पंजाब को लेकर के जरूर कहूंगा कि पंजाब में गवर्नर ने 3 बार 3 सवाल पूछे, मुख्यमंत्री उनका संजीदगी से जवाब भी नहीं देना चाहते और शोर मचाने लगते हैं, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा, आपको बताना होगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने पीछे भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डांटते हुए कहा था कि आप हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हैं, हर क्वेरीज का जवाब देने के लिए बाध्य हैं, वो 4 सवाल पूछेगा, 4 बार आपको जवाब देने हो तो। लेकिन उसके अलावा गवर्नर जो है जबरदस्ती चीजें नहीं रोकेगा। गवर्नर ने इनसे सवाल पूछे, इन्होंने जवाब नहीं दिए और शोर मचाते हैं। वही स्थिति है कि काम आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते या कुछ, तो आप शोर मचाने लगते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते जी सर? लेकिन केरल, केरल के मसले में इसको कैसे देखते हैं अजय सर आप? केरल के मसले में, केरल में गलत हुआ है, वहां गवर्नर ने गलत किया है, पूरी तरीके से मैं गलत मानूंगा। वहां पर गवर्नर ने सवाल जो पूछे थे उसके जवाब दे दिए गए थे, उन सब जवाब के बाद भी वो 2 साल तक रोके बैठे रहते हैं, वो राष्ट्रपति को भी नहीं भेजते हैं, तो निश्चित रूप से केरल के जो राज्यपाल हैं उनका प्रक्रिया पूरी शर्मनाक है और मैं उसके लिए उनको दोषी मानता हूं। और यह भी समझता हूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो खुद भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं, समझते हैं, बावजूद इसके यदि वो नहीं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं इसके बाद वो ऐसा यदि करते हैं तो निश्चित रूप से दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी मैं गवर्नर की भूमिका को गलत मानता हूं, वहां पर भी गवर्नर ने गलत किया है, लेकिन पंजाब में मैं गवर्नर को ठीक मान रहा हूं। यहां पर मैं गवर्नर की इस मामले में भूमिका को गलत नहीं ठहरा सकता हूं, क्योंकि यहां पर गवर्नर ने बहुत लंबे समय तक कोई चीज अटकाई नहीं, उसने हर चीज के ओपनली सवाल किए हैं, वो सवाल के लेटर उन्होंने जो किए हैं, जब इन्होंने शोर मचाया तो उन्होंने प्रेस को भी जारी किए, ये हमने सवाल पूछे थे क्या इसके जवाब नहीं दिए जाने चाहिए, तो उसके बावजूद इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं गवर्नर कौन होता है, साहब संविधान के बूते आप मुख्यमंत्री हैं और संविधान के बूते ही वही गवर्नर है, तो क्यों नहीं है जी? तो यदि आप दो चीजें नहीं हो सकती है ना, तो पंजाब में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी शायद काम नहीं कर पा रही है या उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो खुद जानबूझ के ऐसे ड्रामे क्रिएट कर रही है जी। सिद्धार्थ जी, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर लगाई, कमोबेश ऐसी ही टिप्पणी, क्योंकि राज्यपाल के लिए उन्होंने एक पंक्ति कही कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कमोबेश दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो तो फैसला आया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, इसीलिए जो अफसरों की नियुक्ति या फिर तबादले का जो अधिकार है वो सरकार को मिलना चाहिए, कमोबेश सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट है दोनों ही मामलों में सिमिलर लग रही कि जन प्रतिनिधि जिसको जनता ने चुनकर उस कुर्सी पर बिठाया है उसका अधिकार जो है वो प्रथम जो है प्रथम श्रेणी पर आता है। सिद्धार्थ जी कैसे देखते हैं आप इस टिप्पणी को? मैं देखता हूं कि सबसे सुप्रीम जनता है, जनता के अंदर जब सरकार चुन ली गई फिर मेजॉरिटीज़म नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो भीड़ के विरुद्ध खड़ा हूं और मैं सही हूं तो कानून मेरी रक्षा करेगा। पंजाब में जैसे शुक्ला साहब भाई साहब ने कहा बिल्कुल सच टिप्पणी की कि उनकी मेजॉरिटी है, जैसे दिल्ली में मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि कानून मेजॉरिटी के साथ जाएगा, मेजॉरिटी के साथ सत्ता जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा। जनता सुप्रीम है, जनता के प्रतिनिधि सुप्रीम नहीं है। ये बात माननीय वाजपेयी जी के मुख से कई बार सुनी गई जी, आज के दौर में ये बात सुनना बड़ा कठिन रह गया है, सुनने को नहीं मिलता। यहाँ तो जनता के ऊपर प्रतिनिधि बैठे हैं, जबकि प्रतिनिधि तो सिर्फ प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, जनता को उनको जवाब देना है। कानून एक अलग प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग प्रक्रिया है। तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम चुने हुए हैं, हमारा बिल पास होगा, गलत है। बिल वो पास होगा जो संवैधानिक मर्यादा में आ रहा है।
तो हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहा है. एनार्की, कुछ मुख्यमंत्री अपने आप को एनार्किस्ट क्लेम करते हैं, बहुत दुखद है. जब सीक्रेट सी ओथ ले ली जी, मर्यादा का पालन जी जी बात पूरी करें. एक सवाल सुप्रीम, क्योंकि अजय सर ने बहुत शुरुआत में ही ये टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट जी सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी गंभीर मसले पर याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी तो गंभीर और जो है काफी संजीदा करता है, लेकिन फैसले में जो है उसका कहीं अंश नजर नहीं आता, उस ऑब्जर्वेशन का जो है रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता वर्डिक्ट में. और ऐसे में पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, उनकी एक बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है. उन्होंने कहा कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांत को भूल गई है, यानी कि जमानतों को लेकर जो अदालतों का रुख है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं पूर्व न्यायाधीश जो मदन बी लोकुर. तो ये कहाँ किस स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं? सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब आज के दिन हम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज के दिन हम जो अदालतें हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, उसमें जो फैसले आ रहे हैं उसको भी शक की नजरों से देखा जा रहा है. फॉरवर्ड जो जस्टिस है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अदालतें अपने जमानत देने और इनकार करने के मूल सिद्धांत को भूल गई हैं. ये भारत की लोकतांत्रिक कैसी छवि जो है सामने निकल कर आ रही है? माननीय लोकुर साहब की स्टेटमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि हमारे कंट्री का लीगल सिस्टम विश्व के अंदर सबसे बढ़िया लीगल सिस्टम में से एक है. जो आप बात कर रही हैं टिप्पणियों की, आर्टिकल 200 की जो भाषा है वो गवर्नर को अधिकारित करती है कि वो विद होल्ड कर सकते हैं, उसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई. ठीक है. तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो विचार करना है तो वो संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत करेगी, जिस सेक्शन 200 के अंदर कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई. ये कौन करेगा? पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली निर्णय देने. जब आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई तय सीमा ही नहीं दे रहा कि गवर्नर 2 वर्षों तक रोक सकते हैं या 3 वर्षों तक, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं रह जाता कि वो उनको कहें कि आपके पास ये तय सीमा है. जी, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं में रह के टिप्पणी कर रही है, उस टिप्पणी के अर्थ बहुत गहरे होते हैं. जी, लेकिन वो उसका जजमेंट में जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, कोई उसकी जो छाप नहीं नजर आती, तो फिर ये सिर्फ बहस टिप्पणी जो है वो अहम कैसे फिर मानी जाए, जब फैसले में ही उसका कोई जिक्र नहीं है, इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा जो भी पीड़ित है या फिर जो आरोपी है. आर्टिकल 200 गाइड करेगा जजमेंट को. क्या राज्यपाल के निर्णय और एक्शंस आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग है या नहीं? जब आर्टिकल 200 ने कोई तय सीमा दी ही नहीं, जो हम केरल की बात कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि लंबित नहीं होने चाहिए. मैं तो एक अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता किस सीमा में, समय सीमा के अंदर वो निर्णय लिए जाए या असेंबली को वापस किया जाए. तो इसी का फायदा मिल जाएगा उनको, मोहम्मद आरिफ जो है उनको इसी का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सीमा जो है ये बताई नहीं गई है, लेकिन जनता से जुड़े जो विधेयक है वो लंबित रखे जा रहे हैं. तो क्या यहाँ पर जनता को केंद्र में नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पर उस सीमा को केंद्र में रखा जा रहा है? क्या ये हम माने, देश की जनता ये माने कि जनता के जो हित है उसको केंद्र में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि जो संविधान में जो आर्टिकल कहता है उसको जो है देखा जा रहा है, उसको ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है? जनता अगर निर्णायक होती, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के अंदर चुनाव जातीय समीकरण पे लड़े जाते हैं, संवैधानिक अधिकारों के आधार पे नहीं. जी, अभी आज भी पोलिंग हुई है, कैंडिडेट्स को हर एक पार्टी कास्ट के बेस पे अपना कैंडिडेट डिसाइड करती है कि जातीय समीकरण, और सारी कर रही है. मैं इसको गलत कह भी नहीं सकता क्योंकि वो कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है. जनता को सिवाय आप अजय शुक्ला जी जैसे कुछ ज्ञानी हैं जिनको इसकी पीड़ा होती है, अदरवाइज अगर आज आप कहीं पे भी चले जाएंगे, मार्केट में चले जाएंगे, लोगों को इस विषय के बारे में पता ही नहीं होगा, वो जागरूक है ही नहीं. उनको हमारे देश में लोकतंत्र की संरचना क्या है उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है. उनकी दौड़ तो सिर्फ
एक अधिकारी के आगे जाती ही नहीं। अजय शुक्ला सर, मैं आपसे ये जो मैंने सिद्धार्थ जी से पूछा था सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, उन्होंने कहा है कि अदालतें भूल गई हैं जमानत देने और इनकार करने के मूल सिद्धांत को। अदालतों पे भी आज के वक्त में जब हम संवैधानिक पदों के दुरुपयोग सदुपयोग की बातें करें, चुनी हुई सरकारों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, भारतीय लोकतांत्रिक स्थिति की बदहाली की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोर्ट पर की गई इस टिप्पणी को कितना गंभीर मानते हैं आप और इसे किस तरह से लिया जाना चाहिए? अजय सर अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। जी जस्टिस लोकुर कोई ऐरे गहरे टाइप के तो व्यक्ति है नहीं, उनका अपना कहना अपने आप में वजनदार होता है। जी मैं कहूंगा सिद्धार्थ जी ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने जो कि संविधान में इस चीज के कहीं प्रावधान नहीं किए गए हैं कि कितने दिन में अदालतें कोई चीज डिसाइड करेगी या कितने दिन में कोई और डिसाइड करेगा। जी इसके लिए जिन केसेस में स्पेसिफिक केसेस में कुछ किया गया कि इतने दिन में इसकी चार्जशीट करेंगे इतने करेंगे करेंगे वो एक प्रोविजन है, लेकिन उसमें भी यह लाभ दिए गए हैं कि आप उसको भी लंबा खींच सकते हैं। तो कहीं पर भी हमारा संविधान फांसीवादी नहीं बनाया गया है कि इतना ही करेंगे नहीं तो आपको काट डाला जाएगा, नहीं, आपको एक सीमा तय की गई कुछ चीजों में और उसके बाद में कहा गया कि फिर आप डिसाइड कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में या कहीं अदर्स कोर्ट में कोई जजमेंट का होता है, सुनवाई हो जाती है, महीना भर दो महीना तीन महीना कैसे कायम रखा जाता है। कहीं कहीं प्रभाव में मैं इसका उदाहरण दे देता हूं, आपको याद होगा एक लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा करके मार डालने का किसानों को मामला हुआ था, जो टेनी के बेटे का मामला जो आशीष मिश्रा है जी, उस टेनी के खिलाफ जो गृह राज्य मंत्री है मर्डर के मामले में केस वो हो गया, अदालत उसे 18 महीने तक पेंडिंग जजमेंट को बनाए रखी। 18 महीने भैया जजमेंट पेंडिंग का क्या मतलब है? क्या जजेज को 18 महीने में मौका नहीं मिला जजमेंट सुनाने का? लेकिन ये हो रहा है, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, ये गलत नहीं होना। कानून हर चीज को एक साम्यक दृष्टि से देखता है। जब आप न्यायमूर्ति के पद पर बैठे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप न्यायमूर्ति, देखिए दोनों में अंतर, जो डिस्ट्रिक्ट तक होता है वो जज कहलाते हैं और उससे ऊपर जो होते हैं वो जस्टिस कहलाते हैं। जी जस्टिस मतलब होगा जो न्याय की मूर्ति है, दोनों का अंतर। जज बायस्ड हो सकता है, जस्टिस बायस्ड नहीं हो सकता। जी लेकिन आज स्थिति यह है कि उस तरह की स्थितियां हो रही हैं, तो यह उम्मीद जब बनाया गया था तो बड़े पवित्र मन से बनाया गया था, यह उम्मीद नहीं की जाती थी कि इस तरह से भी होगी, आज हो रही। इसी तरीके से गवर्नर्स बैठाने के मामले में भी ये उम्मीद की जाती थी गवर्नर सरकार चलाने में एक साम्यक सहयोग साम्यक स्थितियां बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि चुनी हुई सरकार मनमानी भी ना करे और अच्छे फैसले जी जो कमियां हो दुरुस्त कर, ये उद्देश्य था जी। लेकिन जो ऊपर आए हमारे आपके सामने, अब ऐसी स्थिति में मैं इस जगह थोड़ा सा सिद्धार्थ जी से अलग जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान का पालन कराने के लिए हमारे देश की की इंस्टीट्यूशंस हैं जी, संवैधानिक संस्थाएं, ये संविधान कहता है वो उसके संरक्षक है। लेकिन एक और बड़ा अख्तियार दिया गया कि जहां कानून मौन हो या जहां कानून ना हो और उस जगह न्याय देने के लिए आवश्यक हो तो वो एक रूलिंग बना सकते हैं। वो एक प्रकार से जब तक कोई साम्य कानून नहीं बन जाता है तब तक के लिए एक कानून के उस पर वो कर सकते हैं गाइडलाइन, जो भी आदेश जारी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने जी, ये संवैधानिक अधिकार है। अब इस जगह एक और चीज आ जाती है जी, क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट
इन पावर्स का इस्तेमाल करती है नहीं करती है? बिल्कुल करती है और किया है। जहां उसे लगता है कहीं उनके अपने बेनिफिट नजर आते हैं वहां तो वो कर लेती है जी, और जहां नहीं नजर आते वहां कहते हैं इसके क्या रूलिंग है, क्या वो है, क्या ये है। तो साहब इसीलिए मैं कह रहा हूं जस्टिसेस आज बायस्ड हो गए हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। यही वजह है जी कि हम न्याय इंडेक्स में भी दुनिया में गिरते जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने और मैं समय समाप्त हो गया इसलिए रोकना चाहूंगी, लेकिन एक लाइन में सिद्धार्थ जी अगर आप कह सके, क्या जो अदालतों पर आरोप लग रहे हैं, पहले अदालतों की जो भूमिका है उसे इस शक के नजर से नहीं देखा जाता था, आरोप इस पर नहीं लगते थे, लेकिन अब जो अदालतों की कार्रवाई उसके केंद्र में जनता नजर नहीं आती, सिद्धार्थ जी इस टिप्पणी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सिर्फ एक लाइन में क्योंकि समय समाप्त हो गया है। ये धारणा जो बन रही है जनता में ये हमारे न्यायिक प्रणाली के लिए घातक है। जब तक न्यायिक प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं होगा, और ये विश्वास सिर्फ न्यायिक अधिकारी ही अर्जित करेंगे, तो ये फैसलों से होगा, ऑब्जर्वेशन से तो नहीं होगा, ये मानेंगे आप जी, ये निर्णयों से होगा, आचरण से होगा। तो ये जो आज जनता के मन में अविश्वास है, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय अजीत भाई साहब ने भी जो भी सत्ता के समर्थक नहीं है, जो भी सत्ता के समर्थक नहीं है, जी सत्ता एक बहुत ही छोटी चीज है, देश राष्ट्र सबसे ऊपर है, सर्वप्रिय जी। सत्ता मैनिफेस्टो हमारे लिए नहीं है, किसी भी पार्टी को सत्ता मिल सकती है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक भारत विरोधी पार्टी के सीएम बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। समय समाप्त हो गया जी, जी समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, सिद्धार्थ जी आपका भी, अजय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात है, कोई सुझाव है, तो आप कृपया info@justbroadcasting.com पर हमें ईमेल जरूर भेजें और neha@justbroadcasting.com पर भी आप ईमेल भेज सकते हैं। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।